तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले एक्सिस बैंक के बारे में। और एक्सिस बैंक के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 2.5 से 3% के अराउंड की एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज वापस से हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ और एक शार्प नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर राइट नाउ अभी फ़िलहाल के लिए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बाकी सारे प्राइवेट लेंडर्स के साथ साथ यहाँ पर हमें वन वे करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब से इसने 1200 के लेवल्स को ब्रेक किया, तब से अपना व्यू तो कम्प्लीटली एक्सिस बैंक के लिए यहाँ पर नेगेटिव था, और हमने वो आपको वीकली एनालिसिस में भी समझाया था। राइट, जब यहाँ पर बाय करने का टाइम था तब हम बाइंग साइड पे थे, बट अब सेल करने का टाइम है तो हम यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली सेलिंग साइड पे भी रहेंगे। अब ओवरऑल 1200 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो तो 1125 इसका और एक मेजर सपोर्ट है। अगर मान लो 1125 का सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक नीचे निकलता है तो अगेन एक मेजर सपोर्ट ब्रेक होगा। FNO का स्क्रिप्ट है, आप चाहो तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो देखकर मत करना एंड डोंट कंसिडर दिस वीडियो एज अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। ये जस्ट यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बाइंग सेलिंग कुछ भी करो, उसके पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना।